जिला प्रशासन द्वारा खनन माफिया के विरुद्ध छेड़ा गया अभियान बड़सर उपमंडल में दम तोड़ता नजर आ रहा है। जिला उपायुक्त के कड़े निर्देश भी खनन माफिया पर बेअसर साबित हो रहे हैं। ऊंची राजनीतिक पहुंच व रसूख का हवाला देकर जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों को ठेंगे पर बदस्तूर जारी है। बड़सर उपमंडल की सिरियाली, सुक्र, गवाल्ड व मान खड्डों में अवैध खनन का धंधा काफी जोरों पर चला हुआ है। हालांकि सरकार ने खड्डों में खनन पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इसके बावजूद खड्ड में विरोक टोक खनन हो रहा है। आलम यह है कि अवैध खनन में भारी तादाद में मलकियत भूमि में भूमि कटाव हो रहा है, लेकिन विभाग व प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं किए जाने से ग्रामीणों में काफी रोष है। सिरियाली खड्ड से जुड़े ग्रामीणों में मसलाना दरकोटी, मसलाना खुर्द, हरसौर, बुहानी सहित अन्य कई गांव हैं। हालत यह है कि खड्ड में कई मजदूर खनन करके ट्रैक्टर ट्रालियां भरने में दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। स्थानीय ग्रामीणों राकेश कुमार, विजय कुमार आदि ने बताया कि सुक्कर, सिरहानी, वमान खड्ड में अवैध खनन जोरों पर चला हुआ है। खड्ड में कई मजदूरों को खनन में लगे हुए देखा जा सकता है। खनन से प्रतिदिन इन खड्डों में लगभग 200 ट्रैक्टर खड्ड से रेत, बजरी और पत्थर निकालते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मजदूर खड्ड में 3-4 फुट खुदाई कर खड्ड से रेता, बजरी उठा रहे हैं, जिससे खड्ड के साथ लगती मलकियत भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। भूमि कटाव से उनकी भूमि भी बह रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि खड्ड में हो रहे खनन कार्य पर अंकुश लगाया जाए व खनन करने वाले मजदूरों व ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। इस संदर्भ में DSP बड़सर जसवीर सिंह का कहना है कि क्षेत्र की खड्डों में खनन कार्य पर रोक लगाई गई है तथा पुलिस विभाग द्वारा खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि खनन माफिया को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।